Hi, sweetheart. कल शाम को 5:30 बजे शराफत के साथ घर वापस लौट आना, क्योंकि 6:30 बजे डैडी और मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है। जनाब ने सुना या फिर से दोहराना पड़ेगा? ओफो तृप्ति, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का वक्त मरीजों की जरूरत पे डिपेंड करता है। मैं भी तुम्हें 100 बार एक ही जवाब दे चुकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तृप्ति के हस्बैंड। ओके, मेहरबानी करके मुझे सोने दो, कल सुबह बात करेंगे। What the hell do you mean सुबह को? इसी वक्त बताओ, कल तुम आओगे या नहीं? ओके ओके, आऊंगा। लाइट बंद करके सो जाओ। भाटिया जी, मैं इसमें सब कुछ लिख रहा हूँ, आप अग्रवाल जी से मिल लीजिए, वो सब कुछ कर देंगे। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू डॉक्टर, बाय। सुनो गणपत जी, मैं 6243-24 पर हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो फोन कर देना। अच्छा साहब। ओके डॉक्टर, डॉक्टर देयर इज एन इमरजेंसी केस, एक बच्ची। बच्ची? ओके कम ऑन लेट्स गो। जी बात है डॉक्टर सिंह। सर कोई अंदरूनी चोट है, नाक से खून बह रहा है, हैमरेज है शायद। हैमरेज? रोजी कैट स्कैन का इंतजाम करो। रोजी, टेक द पेशेंट टू द ऑपरेशन थिएटर। यस सर। आप अंदर नहीं जा सकती, यही ठहरिए प्लीज, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये क्या कर रही तृप्ति? चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, एक छोटी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी देने वाले भगवान तुम कब से बन गए? तुम्हें जो कुछ कहना है या नहीं, गो होम। रवि, मेरे पापा अपने मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो ये मुझे मंजूर नहीं। क्या समझेंगे वो कि मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं? चलो मेरे साथ। ओके ओके, थोड़ी देर इंतजार करो, उसके बाद चलते हैं। चलते हो कि नहीं? ये इंटेंसिव केयर यूनिट है, मैं यहाँ 1 मिनट में ताला लगवा सकती हूँ। चलते हो कि नहीं रवि? वेट डॉक्टर सिंह, वो ड्रिप्स कंटिन्यू करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ दिखाई दे रहा है, है? आजकल काम कुछ ज्यादा करने लगे हो। जी नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रवि, तो चाहे डॉक्टर और रख लो, वो लोग काम करेंगे, एनीवे रिलैक्स। जी शुक्रिया। आदर्शवादी होना बड़ी बात नहीं है, और दिखावे के लिए इससे बेहतर पहनावा भी नहीं है, लेकिन उस पर अमल करना बर्बादी है। दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचो। आपको जानकर खुशी होगी, आप बहुत जल्द नाना बनने वाले हैं। नाना? सुना तुमने? क्या? तृप्ति माँ बनने वाली है। सच? हाँ। अटेंशन एवरीबॉडी, आज मेरे मम्मी और पापा 1 साल और जवान होने जा रहे हैं। मम्मी पापा आइए ना। साहब आपका फोन। हेलो सर, मैं सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सिंह। बच्ची सीरियस है, आप फौरन चले आइए। मैं भी आता हूँ। रवि तुम नहीं जा सकते, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई। मेरे लिए खत्म हो चुकी है। <स्थ
सर मैंने डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर दिया है, आप सिग्नेचर्स कर दीजिए। इस कागज पर दस्तखत करने से पहले मुझ बदनसीब को इतना बतला दो कि मेरी मुन्नी कैसे चली गई, किसने मारा है उसे? बोलो डॉक्टर, किसने मारा है उसे? तुमने मारा है उसे, तुमने। तेरा पार्टी में जाना जरूरी था। खामोश। तुम हत्यारे हो, कसाई हो। शट अप। जल्लाद हो तुम। तुमने एक मां से उसकी बच्ची को छीना है। भगवान तेरे पास कुछ नहीं रहने देगा। हत्यारे तेरा नाश हो जाएगा। शराब ऐसे शराब। इसे जी भर के मुझे कोस लेने तो रोजी। ये सच कह रही है। मेरी बच्ची। इस उम्र में तू ऐसी नींद क्यों सो गई? जाग, जाग मुन्नी जाग। डॉक्टर सिंह, मुझे बचाने के लिए इसमें जो झूठ लिखा है उसे सच में बदल दो। इस बच्ची की मौत का कारण एक्सीडेंट नहीं, मैं हूं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा। अब मैं इस लाइसेंस के काबिल नहीं हूं। कहां जा रहे हो? मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। इतना अपमान करके भी जी नहीं भरा? आखिर क्या बिगाड़ा इस घर ने तुम्हारा? सिर्फ एक इंसान को हैवान बना दिया है। जिंदगी का रास्ता अंधेरों में खो चुका है, उसे ढूंढने जा रहा हूं। बंद करो ये नाटक रवि, अस्पताल में लोग मरते ही हैं। आज कोई नई बात नहीं हुई। उस बच्ची की मौत तुम्हारी जाति से नहीं, मेरी कमजोरी से हुई है, मेरी कायरता से। काश तुम्हारी ठोकरें खाने के बजाय मैं तुम्हें ठोकरें मार सकता तो आज वो मासूम बच्ची जिंदा होती, एक मां की गोद खाली ना होती। जो जिल्लत रुसवाई और हैवानियत तुम दहेज में लाई थी आज तुम्हें लौटा कर जा रहा हूं। एक बात याद रखो रवि, इस वक्त तुम्हारा यहां से जाना तुम्हारी मर्जी पर है, लेकिन इस घर में वापस आना तुम्हारी मर्जी पर नहीं होगा। जिस रवि को तुमने खरीदा था वो तुम्हारे सिक्कों तले दफन हो चुका है। ये उसका दूसरा जन्म है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। Then go to hell! और अपनी ये निशानी भी अपने साथ लेते जाओ। बेटी, बेटी रवि को पता? नहीं, और जानना भी नहीं चाहती। Don't be silly, Tripti. ये सवाल तुम्हारे जानने या न जानने का नहीं है। जिस मासूम को तुम जन्म देने जा रही हो उससे उसका पाप दूर हो जाएगा और वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ओ डैड, अगर मैं रवि की परवरिश कर सकती हूँ तो अपने आने वाले बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती? कैसी बातें कर रही हो बेटी? पैसा पति की जगह कभी नहीं ले सकता। Exactly. ओ प्लीज, मेरे सामने उनका नाम भी मत लेना। कहाँ हूँ मैं? कौन है आप? लेटे रहो बेटा, ये गंगा ढाबे वाली, यही तुम्हें यहाँ लाई है। ओह धन्यवाद। और आप? मैं इस गांव का वैद्य हूँ। गंगा, अरे ओ गंगा। पंगा? कौन ले रहा है पंगा? अरे ढाबे पे ग्राहक बैठे हैं, ग्राहक। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बह रही हूँ क्या? मेरा मर्द कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, वो ढाबे पे नहीं है। ओहो वैद्य जी, मैं चलती हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। चलो चलो भाइयों, भीड़ मत करो, चलो चलो।
अच्छा लो बेटा ये पी लो, पी लो बेटा, ये जरूरी है। धन्यवाद। क्या हुआ वैद्य, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? थक गया हूं बेटे, कभी कभी शिकायत करने लगता है। ओह, बेटे तुम कौन हो? अच्छा तो मैं चलता हूं। कहां? ये तो मैं भी नहीं जानता। जब जान जाओगे तब चले जाना। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना अनिवार्य है। लक्ष्यहीन आदमी अपना ही नहीं दूसरों का जीवन भी कठिनाइयों में डाल देता है। धन्यवाद वैद्य। मैंने भी बहुत खा लिया। क्या बहुत खा लिया? हाँ, मुझे भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? मुझे आपकी भूख है। लो गरम गरम जलेबी आ गई। हाँ, तुम क्यों नहीं खाती? खा रही हूँ ना, मैं कितने खाऊंगी? चलो जल्दी चलना है, गांव बहुत दूर है। तुमने मारा है मुझे, तुमने। तेरा पार्टी में जाना जरूरी था। तुम हत्यारे हो, कसाई हो, जल्लाद हो तुम। तुमने एक मां से उसकी बच्ची को छीना है। भगवान तेरे पास कुछ नहीं रहने देगा। हत्यारे तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गंगा, ओ गंगा। क्या है? अरे वैद्य जी गिर पड़े। क्या? हाँ, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर पड़े। हाय राम। चल जल्दी, चल जल्दी, आ जल्दी, चलो जल्दी चलो। तुमने मुझे नहीं बताया लेकिन मैं जान गया कि तुम एक डॉक्टर हो। ज्यादा ऊंचा ना बोलिए, आपकी हालत बहुत नाजुक है। मेरा अंतिम समय आ गया। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। एक कमी रह गई है, जिन लोगों को मेरी जरूरत है मेरे बाद उनकी सेवा कौन करेगा? मेरे बाद इस गांव के लोगों की सेवा तुम करना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस गांव में दवाखाना बने जो मेरे जीते जी पूरी ना हो सकी। मुझे वचन दो कि तुम इस गांव में दवाखाना बनाओगे, 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 बनाऊंगा, बनाऊंगा। तुम इस गांव में दवाखाना बनाओगे, तुम इस गांव में दवाखाना बनाओगे, 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 बनाओगे। अंधेरे में दिया क्यों जलाया तूने? कौन है तू? जवाब दे। इस गांव के वैद्य श्री धर्मदास जी की इच्छा थी कि इस इलाके में दवाखाना बनाया जाए। ये जगह खाली थी इसलिए। नहीं, ये जगह खाली नहीं है, मकबरा है ये।
यहां मेरी बहन की इज्जत दफन है। दोबारा यहां कभी पैर मत रखना। हर आदमी का अतीत होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहन पर हाथ डाला। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बजरंग, नहीं नहीं, नहीं भैया, नहीं, मेरे पास मत आ भैया। नहीं तुलसी, तुम्हारी तुलसी आज मैली हो गई है। नहीं तुलसी, तुलसी तुलसी रुक जा, नहीं, तुलसी रुक जा, नहीं, तुलसी रुक जा, नहीं, नहीं भैया, नहीं, तुलसी, होश में आओ, होश में आओ। कौन हो तुम? मैं एक डॉक्टर हूं, शायद तुम बीमार हो। नहीं, मैं बीमार नहीं हूं, तुम बीमार हो। तुम्हारा इंसाफ बीमार है, तुम्हारा इलाज बीमार है। जाओ, जाकर उनका इलाज करो, जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब, तुम्हारी दवाइयों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें गोलियों की जरूरत है, मेरी बंदूक की गोलियों की। तुम नए हो इसलिए छोड़ रहा हूं, दोबारा यहां आए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैंने इतनी मौतें देखी हैं कि अब मुझे मौत से नहीं, जिंदगी से डर लगता है। जिंदगी क्या है, कांटा है या कांटा, समझना है जिंदगी है। Thank you.
फिर भी कोई सिग्नल नहीं। उस्ताद कहाँ है? जंगी उस्ताद। झंडे हिला। हथियार ले आए? जी हाँ। पैसे? एक मिनट। सामान निकालो। चलो। हाथ ऊपर कर। गुरु तुम जेल से कैसे आ गए? तुझे मौत के घाट उतारने। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो गुरु। खामोश कमीने। क्या था तू? बोल क्या था? सड़कों पे भीख मांगता था। मैंने तुझ पर रहम खाकर तुझे सहारा दिया और तूने मुझे ही डंक मारा। गुरु तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई है। मैं सारा सामान जीप में डाल दो। जंगी इस पिस्तौल में 6 गोलियां हैं और हर गोली से तेरी हड्डी निकलेगी। तू भगवान का वास्ता है, अल्लाह की कसम है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ उस्ताद, मुझे माफ कर दो। तुम डॉक्टर बाबू हो? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। चलो हमारे साथ। कहाँ? सराय में। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह गया है। एक्सीडेंट हो गया है? चलो। आइए डॉक्टर बाबू, आइए आइए। ये तो मर चुका है। हड्डी डाल। तुमने आने में देर कर दी इसलिए ये मर गया। दिल का दौरा पड़ जाने से इसकी मौत हो गई है।
डेथ सर्टिफिकेट बना दो। इसे गोली लगी है और मरे हुए भी काफी देर हो चुकी है। तो क्या हो गया, मर गया ना, खत्म। जैसा उस्ताद बोलता है वैसा कर और फुट। ये सराय है या बदतमीजी का अड्डा? जबान संभाल के डॉक्टर, जानता नहीं किससे बात कर रहा है। जानना भी नहीं चाहता। सुनो, हड्डी डाल। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि हड्डी कुत्तों को डाली जाती है। जानते हैं जानते हैं। एक मुद्दत से सुन रहा था कि ये सराय नहीं जुर्म की भट्टी है। पुलिस क्या कर रही है मैं देखता हूं। शिकारी, ये एक और शेर कहां से आ गया? तो आपका कहना है कि आपको सराय में बुलाया गया जी, और आपसे मरे हुए आदमी का डेथ सर्टिफिकेट मांगा गया जो आपने दिया नहीं। जी हाँ। डॉक्टर बाबू, अगर आप सर्टिफिकेट दे देते तो बात खत्म हो जाती, आपको यहां आना ही नहीं पड़ता। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो आदमी गोली से मरा है और वो खून में नहाया हुआ था। डॉक्टर बाबू, गोली लगेगी तो आदमी खून में नहीं नहाएगा तो क्या पानी में नहाएगा? डॉक्टर बाबू, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है, आप जा सकते हैं। सराय में लाश पड़ी है, हो सकता है कि मर्डर हो और आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? आप अपनी ड्यूटी जानते हैं या नहीं? खैर, आज आपने बता दिया हमारी ड्यूटी क्या है, तो फिर देखिए इस वर्दी का जलवा और चलिए हमारे साथ। एक एक को हथकड़ी पहना दूंगा। इनका नाम इंस्पेक्टर बेईमानदार है, मेरा मतलब ईमानदार है। हवालदार? यस सर। चलो मेरे साथ। यही तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? मेरी हुकूमत में जुर्म करते हो, कानून तोड़ते हो, खून करते हो। कहां है वो लाश? हड्डी डाल। ए, इज्जत से बात कर, मेरे सांप को कुत्ता समझता है? हड्डी डाल क्या होता है? ए, लाश इधर है। शिकारी, कैसी लाश? लाश? कैसी लाश? डॉक्टर साहब, बताइए वो कैसी लाश थी? जिस लाश के डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप लोग मुझे यहां लेकर आए थे। हम? आप नशा वशा तो नहीं करते? झूठ मत बोलो, तुम्हारे आदमी मुझे यहां लेकर आए थे और जंगी ने मुझे 500 रुपए रिश्वत देने की कोशिश भी की थी। मैंने? हड्डी डाल चाचा, क्यों बेमतलब मुझे फंसा रहा है? इंस्पेक्टर साहब, लगता है इनका दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। कितने अफसोस की बात है। हवलदार? यस सर। पूरे सराय की तलाशी लो। डॉक्टर साहब, आप जाइए। जी हाँ, डॉक्टर साहब आप जाइए और इत्मीनान से अपना काम करिए। जब तक मैं लाश बरामद नहीं कर लेता और इनके हाथों में हथकड़ी नहीं डाल देता, यहां से जाने वाला नहीं। डॉक्टर साहब आइए, 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 मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। क्यों, मेरी बर्बादी की कुंडली बनाने पर तुला हुआ जंगी? तेरी नौकरी और तरक्की दोनों मेरी मुट्ठी में है। शिकारी, बोतल में हड्डी डाल। Thank you.
थे। क्या बात है बाबा, कहाँ गए थे आप? पुलिस स्टेशन। पूना स्टेशन? तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? ओहो, पूना स्टेशन नहीं माँ, पुलिस स्टेशन। बाबा, आप वहाँ क्यों गए थे? सराय में खून हुआ, मैं पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचा तो लाश गायब हो चुकी थी। लाश गायब हो गई? जुआ भी खेलने लग गए हो क्या? माँ तू चुप करके बैठ। बाबा, ये सिर्फ बहरी नहीं, थोड़ी खिसकी हुई भी है। अब मुझे बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं ये कहने आया हूं कि कल से तू मेरे लिए रात का खाना लेकर वहां मत आया कर, मैं यहीं आकर खा लिया करूंगा। गांव की हालत खराब है। होशियार, डाकू बजरंग का इलाका आ रहा है। खातिर जमा रखो साहब, गोली का जवाब गोली से और जान का जवाब जान से दिया जाएगा। इस खजाने को लूटने के लिए बजरंग को हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। सरदार, खजाना। पोजीशन ले लो, डाकू आ गए। Thank you.
देखो होम मिनिस्ट्री से आया हुआ लेटर। लेटर नहीं, हमारे मुंह पर चांटा है। खतरनाक हथियारों की स्मगलिंग, डकैतियां, उसी इलाके में डाकू बजरंग सिंह ने सरकारी खजाना लूट लिया और सिक्योरिटी गार्ड्स मार डाले। मैं तुम्हें उस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना के भेज रहा हूं। कम से कम समय में जुर्म और मुजरिम को खत्म कर दो। सर, ये कानून और जुर्म की मिलीभगत है। अगर ऐसा ना होता तो ये हालात नहीं हो सकते थे। मेरा एक सजेशन है सर। बोलो। चार्ज लेने से पहले मैं अपनी पहचान बदलकर एक आम आदमी की तरह जाना चाहता हूं। वहां जाकर मैं उस इलाके का जायजा लूंगा, सबूत हासिल करूंगा और उसके बाद मुकाबला। कौन सी आइडेंटिटी लेकर जाओगे? पेंटर बनकर। पुलिस वाला और पेंटर? क्यों नहीं सर, हर पुलिस वाले की आंख पेंटर की आंख होती है, तो हाथ क्यों नहीं। कब जाओगे? आज ही, इसी वक्त। गुड लक। माँ, 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 बस आ गई। बस खा गई? किसको खा गई? खा नहीं गई माँ, बस आ गई। अरे कोई मुसाफिर उतरा के नहीं? सुबह से कोई नहीं आया। उतरा है माँ, उतरा है। तू जल्दी से चाय की केतली चूल्हे पर रख दे, मैं प्लेट प्याली धोती हूँ। अच्छा। अरे हम भी तो खड़े हैं तेरी राहों में। दफा हो जा निखट्टू, गिरेकी का टाइम है। हम भी तो तेरे ग्राहक है अनारकली। हाथ मत लगाना शराबी, भाग यहाँ से। एक मिनट चलेगी, दे देना। क्या दे दूँ? पहले धार की। क्या कहा इसने? पहले धार की चाहिए। अबे अंधे पीर की औलाद, ये ढाबा है ठेका नहीं। और अगर पहली धार की इतनी ही जरूरत है तो सड़क पर मुंह खोल कर ले जा, कुत्ते तेरा काम कर देंगे। दे देना। हट। लड़की है क्या? जुम बराबर जुम शराबी। अरे वो एक नग जो बस से उतरा था उसका क्या हुआ? जी अब वो कहिए क्या चाहिए? दूध। धूप? हाँ जी, मेरी माँ बहरी है। ओ। इसकी बात का बुरा मत मानिए। दूध चाहिए? जी हाँ। किसका? गाय का, भैंस का? किसी का भी चलेगा। आप बैठ जाइए। तू डॉक्टर बाबू का नाश्ता लेकर जा, पहले ही देर हो गई है। मैं इसे दूध पिला दूंगी। डब्बा तैयार है? हाँ, ये क्या तैयार है? दूध भी तैयार है। ओ, अरे अरे कोई बात नहीं। ए, हाथ मत लगाना। ओ, I am sorry। अरे तू नाश्ता लेकर जाती है, ये मैं जाऊं? जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। सुनो। सुनाओ। यहाँ रहने के लिए कोई जगह है? बहुत है। जेब में पैसा हो तो सराय में ठहर जाना, वरना कहीं भी लुढ़क जाना। हा? सिर्फ कुत्तों से बचकर रहना। कुत्तों से? हाँ, आदमी को लेटा देखकर फौरन ही पिछली टांग उठा लेते हैं। ए, पैसे ला। पैसे? किस बात के? दूध मुफ्त में ही पिएगा क्या? मुझे देर हो रही है। लेकिन दूध तो पीने दो। कहा ना मुझे देर हो रही है। ओके ओके, ये तुम्हारे पैसे। सुनो। दे दी ना पीछे से आवाज। क्या हुआ? पीछे से आवाज दे दी। पीछे से दे दी? क्या दे दी? बहरी चुप करके बैठ जा। सुनिए, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मुझे सराय दिखा दोगी? दिखाने का टाइम नहीं है, सीधा चला जा, नुक्कड़ से बाएं मुड़ जा, सराय पहुँच जाएगा। ओह थैंक यू। क्या? शुक्रिया। बुझो, कौन है? भाई ये तो बहुत मुश्किल है, फिर भी बुझने की कोशिश करेंगे। ओह ये तो अपनी नन्नी मुन्नी रूपा है। रूपा जी एक बात बताइए, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई?
क्या बताऊं डॉक्टर बाबा, एक मुसाफिर आ गया था, मैं उसे दूध पिला रही थी। दूध पिला रही थी? क्या कोई बच्चा था? हट्टा कट्टा जवान था, बातें भी बहुत अच्छी करता था और दिखने में भी बुरा नहीं था। पहली मुलाकात में इतनी दिलचस्पी हो गई, खैरियत तो है ना? पता नहीं उस मुसाफिर को सराय में जगह मिली भी होगी या नहीं। इस बार तुझे क्या क्या चाहिए प्लाकी? 50 राइफल, 100 पिस्तौलें और 200 प्लास्टिक बम। मिल जाएंगे। हड्डी डाल। कौन है तू? मैं पूछता हूँ कौन है तू? मैं चित्रकार हूँ, पेंटर, बाहर से आया हूँ। लेकिन मेरे कमरे के अंदर कैसे आया? मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। 10 मिनट से सराय में घूम रहा था, आप सब अपने काम में मस्त थे इसलिए यहाँ चला आया। खैरियत चाहता है तो हड्डी डाल। हड्डी डाल मतलब? दफा हो जा। अरे लेकिन मैं कमरे का किराया देने के लिए तैयार हूँ। साबत निकल जा, नहीं तो 10-20 टुकड़े हो जाएंगे तेरे। देखो पहलवान, तुम तगड़े हो ये ठीक है, मैं तुमसे कम तगड़ा हूं ये भी ठीक है। हो सकता है हुनर में मैं तुमसे ज्यादा निकलूं, इसलिए हुनर देखना चाहता है। दिखा दो। रुक जाओ। वाह पहलवान, तेरा हाथ नहीं हथौड़ा है। हाँ आजा, हाथ तो मिला। ये पहलवान मुझे मार रहा था। नहीं हवलदार साहब, इससे कह दो मुझे रहने के लिए कमरा दे दे। हवलदार कह दो इससे कि सराय में कोई जगह नहीं है। नहीं हवलदार साहब, बहुत जगह है। जाता है या? हवलदार साहब देखो आपके सामने मुझे धमका रहा है। देख रहा हूँ, तो कुछ कीजिए ना। तुम चोरों की तरह सराय में घुसे, तोड़ फोड़ की, फौजदारी की। हवलदार साहब ये आप क्या कह रहे हैं? खामोश। हाँ पकड़ो यू आर अंडर अरेस्ट। ओके जंगी, गुड बाय। हड्डी डाल। एक दिन ये भी डाल दूंगा, वादा रहा। अबे चुप,
मेरे सामने जंगी को हूल देते है? है? अरे अभी तो हथकड़ी डाल दिया, बेड़ी भी डाल दूंगा। ये हसरत भी पूरी कर लो हवलदार, जिंदगी में मौका मिले या न मिले। चल पूछो ना। कौन हो तुम? हूं तो इंसान, आप और हवलदार क्या समझते हैं ये मैं नहीं जानता। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, वरना तुझे अंदर कर देंगे। हाँ जरूर कीजिए, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि ताजे राते हिंद की कौन सी दफा लगाएंगे मुझ पर। मैं यहाँ का थानेदार हूँ, किसी को भी बंद करने के लिए ताजी राते हिंद की कोई भी दफा लगा सकता हूँ। और फिर तुम क्या वकील हो? मैं चित्रकार होकर कानून जानता हूँ और आप थानेदार होकर कानून नहीं जानते। इसको कैसे पता लगा? ए, ए, हमारे साहब के साथ जबान लड़ाता है, अंदर कर दो। तुम इस इलाके में क्यों आए हो? मैं इस देश का नागरिक हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। हवलदार जी, इसकी तलाशी लो। जी शौक से लीजिए। उतार, ये भी खाली है। सराय में क्यों गया था? कहा ना कमरा लेने, गवाही के लिए दावे वाली लड़की को बुला सकते हैं आप। बंद कर दो इसे। बंद कर दो इसे। जी साहब, चलो ढाबे वाली लड़की को बुला। जी। कितने पैसे हैं? 40 रुपए। क्या? 440। 440। गंगा, अरे ओ गंगा, अरे तेरी बेटी कहाँ है? बेटी? काहे की बेटी? बेटी नहीं, तेरी बेटी रूपा। मैं यहाँ हूँ, बोल क्या बात है। चल थाने। गाने? मर्दुए क्या समझता है मेरी बेटी को? अरे गाने नहीं, थाने। नहाने, और वो भी तेरे साथ? तू चुप कर माँ। धीरे बोल धीरे, मैं बैरी नहीं हूँ। अब बोल क्यों चला है मुझे थाने? एक परदेसी को फौजदारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया है, उसने पहचान के लिए तेरा नाम दिया। चल। परदेसी? हाँ। वो वहां कैसे पहुंच गया? अरे ये सवाल जवाब थाने चल के करना, चल चल। ठीक है। हाँ। माँ ना नहाने जा रही हूँ ना गाने, थाने जा रही हूँ थाने। चढ़े मुच्छड़। ए मुच्छड़ मत बोलना। ए, ए, चलता है कि नहीं? टांगती काय को है। ए, चल चल चल। आजा। ये क्या ठेकेदारी लगा रखी तुम लोगों ने? क्यों बंद कर दिया इस बेचारे को? ए नौकरी, ये क्या बदतमीजी है? ये पुलिस स्टेशन है, थाना है, तेरी माँ का ढाबा नहीं, समझी? थाना, थानेदार और हवलदार, तीनों की असलियत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? तो तू इसे जानती है? हाँ, चित्रकार है, शहर से आया है, मेरे ढाबे में आया था और उसे ठहरने के लिए कमरा चाहिए था। तो तूने इसे सराय में भेजा था? सोला ने, सच है ये बात। धर्म सिंह आ गया साहब, चित्रकार को छोड़ दो। अच्छा जी। अरे इसका सामान लाओ। हाँ जी लो अपना सामान। ये लो, ये लो, पकड़ो पकड़ो। और मेरा बटुआ। बटुआ? बटुआ, हाँ बटुआ, ये डाल देता हूं मैं। थानेदार साहब, इसमें 440 रुपए थे, अब सिर्फ 40 बचे हैं, बाकी कहाँ गए? ये तू क्या मेरे साहब को चोर समझता है? चल हवा आने दे, फूट यहां से, चल चल। क्यों इन भैंसों के आगे बीन बचा रहा है? इस लंका में सारे 52 गज के हैं, समझा कि नहीं? आहिस्ता आहिस्ता सब समझ लूंगा। हाय राम, तेरे तो खून बह रहा है। हा? चल डॉक्टर बाबा के पास। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, टाइगर टाइगर। हाँ हाँ, यही आ रहा है। पोजीशन ले लो। अपने आदमियों से कहो सामने आ जाए। आ
शौक से टाइगर का इंट्रोडक्शन बराबर नहीं कराया जांगी। तो चैप्स, बेईमानी का बिजनेस में ईमानदारी हमारा काम का फाउंडेशन है जानी। फिर हथियार लेने क्यों नहीं आया हमारा पास जंगी? नया माल किस मुंह से लेने आता टाइगर, पिछले माल का तो पैसा ही नहीं दिया अभी तक। तुम हमारा कस्टमर, कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं। हम तुम्हारे लिए बढ़िया माल आया है जानी, एकदम लेटेस्ट कैटली। तुम अब भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, हमारा कंट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्री आर्म्स इंडस्ट्री, हथियार, उसको जिंदा रखने के वास्ते मौत फैलाना जरूरी। तुम जिंदा, हमारा बिजनेस जिंदा, हमारा बिजनेस जिंदा, हमारा कंट्री जिंदा। आप जानते हैं ये कौन है? नो सर। ये एक खतरनाक विदेशी है जो हमारे देश में अशांति, फसाद और जात पात की आग फैला रहा है। ये हमारे देश के उन गद्दारों को हथियार सप्लाई करता है जिनका मकसद है हर तरफ खून खराबा और लूट मार। क्या नाम है इसका सर? कोई इसे शोला कहता है, कोई शैतान, लेकिन ज्यादातर ये टाइगर के नाम से मशहूर है। अगर जल्दी ये हमारे काबू में ना आया तो हमारे देश की आजादी खतरे में पड़ सकती है। सर, उसका कोई अता पता है? है, हमारी उत्तरी सीमा के पार उसका हेडक्वार्टर है। वहां की सरकार से कहकर उसे गिरफ्तार नहीं करवाया जा सकता? जी नहीं, क्योंकि उस सरकार के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। आप इंटेलिजेंस के बड़े अफसर हैं, है कोई भारत का ऐसा सपूत जो देश की यह जरूरत पूरी कर सके? है सर, है। रियली? यस सर। नाम? नाम गुमनाम है सर, और यही उसकी कामयाबी का राज है। किधर गई? इधर। आज फिर लेट आए? साहब भूखे शेर की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ, रोज यही सवाल पूछता है। और साहब मेरा भूखे शेर की तरह इंतजार कर रहे हैं। अगर जल्दी बुलाने का इतना शौक है तो चीप भेज दिया करे। अरे धीरे बोल, कुछ सुनिएगा साहब जी। कमाल सिंह, आज तुम फिर लेट आए। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि आज तुम समय पर नहीं आए तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। जनाब, आप मुझे डिसमिस कर ही दीजिए। क्या? जी हाँ, आप मेरी हालात के बारे में कुछ जानते हैं? मैं भी तो सुनूं क्या हालात हैं तुम्हारे। बुरा ना, मैंने तो एक सवाल पूछूं। पूछो। आपने शादी का पंगा लिया है? जी नहीं। आपके बच्चे हैं? अफो, अगर शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से होंगे? हाँ जी, तो बच्चे कहां से होंगे? जनाब मेरी शादी भी हुई है और बच्चे भी हैं। मैं 9 बच्चों का बाप हो गया हूँ जनाब। 9 बच्चों का बाप, और इस जमाने में? जमाने का बच्चों से क्या लेना देना जी, ऊपर वाले की देन है। 9 की जगह 11 भी 12 भी हो सकते हैं। कमाल सिंह, ये ऊपर वाले की देन नहीं, ये तुम्हारी देन है। खैर, मुझे तुम्हारे घर की प्रॉब्लम से कुछ नहीं लेना। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम समय पर नहीं आए तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। आप वाकई संजीदा हैं? जी हाँ, मैं वाकई संजीदा हूँ। आप फिर सोच लीजिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट के? जी हाँ। ठीक है जनाब, मैं कल से वक्त पर आ जाया करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो जाओ। अब क्या है जनाब? वो इंक्रीमेंट की बात करनी है आपसे। समझाओ यहाँ से। मर गया, तेरी माँ मारता है, ये छोटे को मारता है, इंक्रीमेंट नहीं ना सही। बाबा, बाबा। हाँ, अरे बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आजा। मैं अकेली नहीं हूँ। कौन है तेरे साथ? वही जिसने आज मेरा दूध पिया था, परदेसी। परदेसी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, विजय। विजय, बड़ा अच्छा नाम दिया तुम्हारे माँ बाप ने। बाबा, तुम्हारा भी जवाब नहीं। वैसे तो बोलते नहीं, और जब बोलते हो तो रुकने का नाम नहीं लेते। ये सराय में ठहरने गया था, जंगी ने इसे बहुत मारा है। हा? इसे चोटें लगी है, खून बह रहा है, इसकी मरहम पट्टी तो करो बाबा। हाँ करता हूँ, आओ बेटे आओ। Thank you.
कहां से आए हो? शहर से। शहर से घूमने? चित्रकार हूं, यहां की खूबसूरती अपने रंगों में उतारने आया हूं। कलाकार हो इसीलिए ये जगह तुम्हें खींच लाई, वरना तुम्हारी उम्र के लड़कों को तो शहर की रौनक ज्यादा पसंद आती है। सुना है आप जब यहां आए थे आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। ओफो, अब तुम शुरू हो गए। बाबा बहुत देर हो चुकी है और उसके पास तो रहने तक की जगह नहीं है। ओह, रहने की जगह नहीं है? वो साथ वाला कमरा है ना, रुपा इसे वहीं ठहरा दो। जा, 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 जा। चलो। थैंक यू। ये रहा तेरा सामान, अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं चलती हूँ। अरे सुन, ये तेरे डॉक्टर बाबा यहाँ कब से हैं? मेरे जन्म के पहले से। और तू उन्हें कब से जानती है? जन्म से। वो यहाँ आने से पहले कहाँ थे? तू नहीं सुधरेगा, सराय में भी तूने ही थानेदारी की होगी, उल्टे सीधे सवाल किए होंगे और उस हड्डी ने तेरी हड्डियां नरम कर दी होंगी। अब लुढ़क जाए यहाँ। जो आ गया सरकार। ये सब मेरा ही दोष है, ना मैं तुझे वहां भेजती ना तेरी हालत होती। तो फिर मुझे वहां क्यों भेजा? उस वक्त तू परदेसी था। परदेसी था? और अब? अब? यहां से हिलना डुलना मत, सुबह का चाय पानी मैं ही लेकर आऊंगी। अच्छा। डॉक्टर बाबू क्या है? चलते चलिए, सरदार ने आपको बुलाया है। सरदार ने? चलो। गोली निकालने के लिए इस घाव को काटना होगा, तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसे काटने से तुम्हें बहुत दर्द होगा। इतने दर्द सह चुका हूं डॉक्टर कि अब हर दर्द बेअसर हो गया है। तुम अपनी चीरफाड़ शुरू करो। दूसरों में भलाई का जज्बा देखकर तिल भराता है तुम्हारा, तो खुद क्यों नहीं भले बन जाते? लूट मार करना, खून खराबा करना, ये सब क्या अच्छा लगता है तुम्हें, भला लगता है तुम्हें? तुम्हारी जान जान है, औरों की जान खिलौना है? मेरी बहन का बलात्कार करने वाले लोगों को यह मशवरा क्यों नहीं दिया तुमने? कहां थे उस वक्त तुम? और तुम्हारे महान विचार, ए मौत मारा उसे, ए मौत, बदला नहीं लूंगा। किससे बदला लोगे? उस समाज से जिसने ऐसे राक्षस पैदा किए। ये मत भूलो बजरंग कि तुम भी उसी समाज का एक हिस्सा हो। तुम भी मुझे अपराधी समझते हो, दोषी समझते हो, सिर्फ एक डाकू समझते हो? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक रोगी समझता हूं।
मानसिक रोगी। मेरा दवाखाना खून पसीने और मेहनत की कमाई से बना है, उसमें ये पैसे नहीं लग सकते। बजरंग ने लोगों पर एहसान किए हैं, आज तक किसी का लिया नहीं। तुम्हारा एहसान भी जरूर चुकाऊंगा डॉक्टर। शायद ऐसा वक्त कभी ना आए। ये बजरंग का वचन है डॉक्टर साहब। खुरदार, बहुत दिलचस्पी ले रहा हूं मुझमें। आपको कैद जो करना है। कैद? मैं समझा नहीं। देखिए ना, मेरी पेंसिल की रेखाओं ने आपको किस तरह समेट लिया है, यानी के कैद कर लिया है। ये पेंटिंग का शौक कैसे लगा तुम्हें? एक चेहरा बनाते बनाते ये शौक आदत बन गया। किसका चेहरा? डॉक्टर बाबा, ये दवाखाना चलाने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती होगी। आदमी की सेवा के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। तो फिर किसकी जरूरत पड़ती है? श्रद्धा की। वेल सेड, बहुत अच्छा कहा आपने। ये दवाखाना, इसकी चार दीवारें भी श्रद्धा से बन गई। इसके लिए पैसे कहां से आए? तुम क्या कोई पुलिस वाले हो जो ये सब इंक्वायरी कर रहे हो मेरे बारे में? लगता है मैंने आपको काफी परेशान कर दिया। लगता है कि मुझे भी अब तुम में उतनी ही दिलचस्पी लेनी पड़ेगी जितनी कि तुम ले रहे हो। अरे, तू यहाँ आ गया? मैं तो तेरा नाश्ता लेकर आ रही थी। मैंने सोचा तुम्हें तकलीफ ना दूं, इसलिए खुद हाजिर हो गया। बैठना। ये रहा तेरा दूध और ये रहे गर्मा गर्म पकौड़े। गर्म गर्म घोड़े? घोड़े नहीं माँ, पकोड़े। हो, अच्छा अच्छा, हथोड़े। दया कर मुझ पर माँ, तू जाकर सो जा वरना चुपचाप काम कर। ये बुढ़ापा भी बुरी बला है, हर अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है। कैसे लगे? आज मैंने अपने हाथों से बनाया है। प्यार से बनाई हुई हर चीज मुझे अच्छी लगती है। प्याज? ये लो प्याज। अरे, किस कर्मचारी ने तुमसे प्याज मांगी थी माँ? इसने? क्यों रे, मांगी थी कि नहीं? खबरदार जो वहां से हिली तो। चुपचाप काम कर। एक तरफ से तो प्याज बोलते हैं, फिर कहते हैं चुपचाप काम कर। और लाओ। तेरी तबीयत तो ठीक हो गई है? बड़ी सख्त जान है, कल इतनी धुलाई हुई थी और आज वैसे की वैसा ही है। ये क्या? दूध का रुपया। और पकोड़े के कितने? रहने दे। क्यों? कहा ना रहने दे तो रहने दे। ठीक है बाबा, रहने दे तो रहने दे, जो हुक्म। अच्छा, अब मैं चलता हूं। कहां? उन पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों की तरफ? जानता नहीं वह जान का खतरा है। क्यों? वहां शेर रहता है। वहां शेर का बाप रहता है, बजरंग डाकू। ये सारा इलाका उसी का है, उसकी नजर पड़ गई तो दंत से गोली चलेगी और ठंड से फना हो जाएगा। माँ, डॉक्टर बाबा का नाश्ता तैयार है। अंदर तैयार रखा है, डब्बे में डाल के ले जा। और कुछ चाहिए? कुछ नहीं। तो फिर खड़ा क्यों है? अरे, बहरा है क्या? वो क्या, चल चलता बन। अरे चल। कहाँ गया वो? हाँ, खा गया वो। मैंने पूछा कहाँ गया माँ, और मैं कहती हूँ जहाँ से आया था वहीं गया होगा। उफ़ो माँ। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। अरे, वो पहली धार की औलाद। फूल बदन। वो परदेसी कहाँ गया? परदेसी उधर गया, हिमालय की गोद में गया। माँ, क्या कहे? माँ, डॉक्टर बाबा को नाश्ता खिला देना और कह देना कि मैं बाद में आऊंगी। अरे, पर तू कहाँ जा रही है? ये भी हिमालय की गोद में जा रही है।
झूम बराबर झूम शराबी झूम। ये क्या अपना मुकद्दर बनाया उबरोय ने? हवलदार बना दिया, हवलदार बना के भेज दिया नीचे और दे दिए नौ नौ बच्चे पैदा। ये कहते हैं तेरी मर्जी के बगैर तो पत्थर नहीं हिलता, फिर नौ नौ बच्चे कहाँ से पैदा कर दिए तूने ऊपर वाले? वो टीवी देखने के लिए पड़ोस में जाते हैं क्या? वो क्या आती है रामायण आती है, रामायण देखने के लिए जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ये कोई सिनेमा का है, चलो भागो यहाँ से। कुत्तों की तरह मेरे बच्चों को बाहर निकाल देते हैं ऊपर वाले। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास बीवी क्यों दे दी? तू क्या है, क्या मैं दारू पीना पड़ता है मुझे? तू सब कुछ करता ऊपर बैठा, सबकी लकीरें लिखता है ऊपर, तू करता है। मैं सुसाइड करूंगा, आज सोसाइटी कर लूंगा। मैं तेरे पास आके एक एक बात पूछूंगा उससे, आज नहीं बचूंगा। किधर से गाड़ी आई है, कोई गाड़ी? आज आ रहा हूं तुझसे पूछूंगा। तू क्या है? आ गई चढ़ा दे आई गोइंग गार्ड काम पे जा रहा था। गिव लेफ्ट। अरे I going God? Kamal Singh? Who Singh? Him everything. Why? Why? Gristi ko zinda rehne ka haq not? Arre. Why not? Utho to sahi. Mere ko andar karwa dete, khud upar chale jate. You Kote Lal? Haan ma'am. Kote Lal ji. Mujhe maar do Kote Lal ji. Mujhe maar do. Sar pe. Aapko maloom hai mere saath kya beet rahi hai? Kya hua? Mere bachche hain 9. Aapko maloom hai? Haan. वो जाते हैं पड़ोस में रामलाल के घर में। हाँ। उनके घर में टीवी है ना। हाँ। वो गए थे कल टीवी देखने, रामायण आ रही थी। हाँ। और ठुड्डे मार के मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया सामने। अरे, बोले ठीक है सिनेमा घर है। हाँ। कैसे आते हो अंदर? हाँ। तुम्हारे बच्चे अंदर नहीं आ सकते। वो मेरा छोटा बेटा गुल्लू है ना, कहने लगा मेरे को मारा पापा, मैं क्या करूं? मैंने कहा बेटे मैं लाके दूंगा तुझे टीवी, चोरी करूंगा डाका डालूंगा लेकिन लाके दूंगा टीवी। अब मैं लाऊंगा कैसे, कहां से लाऊंगा मैं टीवी? हाय रब्बा। हाँ वो साहब जी आपके पास, साहब जी आप हवालदार हैं, मैं भी हवालदार हूँ। हाँ। आपके पास इतना बड़ा टेम्पू, ये क्या है? मारुति गाड़ी है। आपके घर में तो फ्रिज भी है मैंने सुना है। हाँ, फ्रिज भी है, टीवी भी है। हाँ, टीवी। मैं गरीब, मैंने क्या गुनाह किया है जी? आपके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ। आप कुछ कर दीजिए साहब जी, मुझे सोचने दे, सोचने दे। मैं आपका जिंदगी पर हुक्का भरूंगा साहब जी। हो गया। तुझे टीवी चाहिए ना? तेरे को टीवी मिल जाएगा, तेरे घर में फ्रिज भी आ जाएगा। अरे ये मारुति तो क्या बहुत बड़ी गाड़ी आ जाएगी। मैं करके दूंगा लेकिन तुझे मेरे लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। करेगा क्या? आप बोलिए। मैं कड़ा क्रच क्रचा क्रच करूंगा। उठो आप बोलिए, खुलकर बोलिए। हाँ, कान में बोलिए। देश के साथ गद्दारी करेगा, छोटा सा काम है। हाँ। क्या बात है खोटे लाल, अब करेगा कमाल, जरा कमाल। हाँ, चलो उठाना पड़ेगा, उठाना जरा। बाबा क्या बात है? वो चला गया बाबा। किसकी बात कर रही हो? उस पर देसी की, वो बजरंग के इलाके में गया है, अगर उसे कुछ हो गया तो। विजय होशियार लड़का है, वो अपना भला बुरा सोच सकता है। रूपा मुझे लगता है कि तुमने उसे समझने में जल्दबाजी की। आ
कौन है ये? ये हमारे इलाके में घूम रहा था सरदार। पट्टी खोल दो इसकी। क्यों घूम रहा था इस इलाके में? इस इलाके का जायजा लेने। क्यों? तुम्हें कैद जो करना है। कौन है तू? मैं एक चित्रकार हूँ। आदमी के रूप को रेखाओं में कैद करता हूँ और उसके चरित्र को रंगों में सिमट, यही कैद का मतलब है। काफी दिलचस्प आदमी लगते हो। मुझे भी तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई। आज मेरे मंजिल की एक और सीढ़ी तय हुई। मतलब? मैंने देखा इंसान बागी क्यों बनता है, समाज से बगावत कैसे करता है, लूट मार कत्लो गैरत करते करते इंसान से शैतान कैसे बनता है। जबान को लगाम दे चित्रकार। इंसान और शैतान में तमीज करने की अभी तेरी उम्र नहीं। तजुर्बों की ठोकरे खाने के बाद ऐसी राय देने की हिम्मत करना। दोबारा इस इलाके में कदम मत रखना। अरे बजरंग, एक तमन्ना थी, अगर पूरी कर दो। मैं तुम्हारा खूबसूरत चित्र बनाना चाहता हूँ। पुलिस को देने के लिए? अरे कमाल कर दो, पुलिस से मेरा क्या लेना देना। मैं ठहरा चित्रकार, तुम नरक की अप्सरा और चिड़ी का गुलाम यहाँ भी। सरदार देखो, मुझे चिड़ी का गुलाम कह रहे। हाँ रेशमा, तू इसे जानती है? हाँ, मुझे तो कोई बहरूपिया लगता है और उस जगह पहुँचाता है जहाँ इसे नहीं जाना चाहिए। पहले सराय, फिर थाने और अब तेरे अड्डे पर। सराय में क्या करने गया था? रहने के लिए कमरा लेने। लेकिन वहाँ कानून और जुर्म का वो संगम देखा जो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। देखा बजरंग, मैंने कहा था ना, ये जरूर कोई खतरनाक आदमी है। बजरंग, ये तुम्हारी आंख का इम्तिहान है। पहचानो, मैं चित्रकार हूँ या कोई और? कालू, पट्टी बांध कर इसे रास्ते पर छोड़ाओ। और दोबारा यहाँ आओ तो कफन बांध कर आना। अगर कफन लाना भूल जाऊं तो मुझ पर अपना दुपट्टा डाल देना। कालू, छोड़ो इसे। बजरंग की जय हो। अजीब आदमी है, बात कुछ करता है मतलब कुछ और निकलता है। अरे सरदार, तो फिर उसे छोड़ क्यों दिया? बजरंग, आज तुमने अक्ल से काम नहीं लिया। बजरंग अक्ल से नहीं, दिल से काम लेता है। हाय, काश तेरे पास दिल होता। अरे ए, क्या हुआ? जब मैंने मना किया था तो तू उस तरफ क्यों गया? ड्यूटी। ड्यूटी? हर आदमी की कोई ना कोई ड्यूटी होती है, और लोगों की असलियत कैद करना मेरी ड्यूटी है। मतलब? रंगों में कैद करना, पेंटर हूँ ना। बातें करता है या पहले बुझाता है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? देखो, जैसे गया था वैसे लौट आया, इलाका भी देखाया, उस बजरंग को भी। बजरंग? हाँ, तूने कभी बजरंग को देखा है? नहीं। ये देख। ये तस्वीर तूने बनाई? और नहीं तो क्या। मेरी तस्वीर बनाओगे? क्यों नहीं, अभी बनाते हैं। आजा बैठ, पकड़। अब तेरी तस्वीर बनाते। सीधी बैठ, हिलना नहीं। रूपा, आई माँ। आज नहीं, कल। ए रूपा, कल सवेरे नदी के किनारे। ठीक है। अरे चाची, बड़े दिन बाद मौका मिला है। ये लड़की तो दिन ब दिन काबू से बाहर होती जा रही है। सुबह से नदी पे नहाने गई है, अभी तक नहीं आई। चाची, दोष उसका नहीं, उसकी उम्र का है। कमर का? कमर का नहीं, उम्र का। कबर? हाय राम, किसकी कबर? मेरी कबर, जो सुबह सुबह तेरे मुंह लगा। Thank you.
बड़े गौर से देख रहे हैं। पसंद आई आपको? क्यों चित्रकार, इसे भी कैद कर लिया? किस किस को अपनी रेखाओं में समेटना चाहते हो? मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें सावधान करता हूं। रूपा, रूपा मेरी बेटी समान है। इस दुनिया में अगर कोई मेरा दुख बांटने वाला है तो वो रूपा है। वो इस गांव की भोली भाली लड़की है। तुम शहर वालों की हेरा फेरी से नावाकिफ। तुम्हारा कोई भी धोखा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। आप जिस धोखे की बात कर रहे हो उसे देने वाले शहर में क्यों, गांव में भी मौजूद है। ये थानेदार, हवलदार, जंगी, डाकू बजरंग और आप चुप क्यों हो गए? कहो ना। आप भी तो शहर से यहां आए थे। इंसान न गांव का होता है न शहर का, सिर्फ इंसान होता है। कोई माई का लाल यहां नहीं आ सकता। जरूर खोया है जंगी। रिलीज द डॉग। वाला वेल ट्रेन्ड आदमी। होशियार जांगी, तुम खतरे में है। क्यों चित्रकार, यह है तुम्हारा दूसरा रूप? हां, तो क्या कहा था तुमने, इंसान की पहचान शहर और गांव से नहीं होती। मैं आपके सवालों का जवाब आज नहीं देना चाहता हूं। कल भी नहीं दे सकोगे। आज तुम्हें अपना असली रूप बताना ही होगा, वरना मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जरूर कीजिए, लेकिन आप भूल रहे हैं, कानून सबूत का मोहताज है। तुम कहां गए थे? तुम्हारे जिस्म पर यह खून क्यों है? किसी का कत्ल करके आए हो क्या? इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। जवाब दो। रात काफी हो चुकी है, अंदर जाके आराम कीजिए। नहीं, जवाब दो, डॉक्टर, हाथ निकालो वरना। वरना चले जाओ, चले जाओ यहां से, इसी वक्त चले जाओ। मैं यहां आपके मर्जी से रहा जरूर हूं डॉक्टर, लेकिन मेरा जाना आपके मर्जी का गुलाम नहीं है। दफा हो जाओ। तेरी तो गुस्सा थूक दो पहलवान, बात बड़े धंधे की है। तुम्हें यहां किसने भेजा है? किसी ने नहीं, मैं खुद यहां आया हूं मकसद से। क्या चाहिए तुम्हें? हथियार।
मतलब 100 रिपीटर, 500 स्टैन गन, 1000 हैंड ग्रेनेड, यानी हद को ले। मेरे गले में हड्डी अटक रही है। हड्डी अभी निकल जाएगी, ये देखो हाल। कहीं ये चाल तो नहीं? अरे पहलवान, अगर ये चाल होती तो मैं तुम्हारे पास सीधे नहीं चले आता। हाँ, तुम्हारी मार खाई, हवालात में बंद हुआ, पुलिस की गालियां खाई, इन सब की क्या जरूरत थी? जरा सोचो, धंधा करना है तो जल्दी करो, वरना मैं कोई और दुकान ढूंढ लूंगा। नोट तो असली है? नोट भी असली है और नोट वाला भी। ये निशान कैसे? ये कुत्ते के दांतों के निशान। तुम ही कल रात सराय में आए थे? क्यों? जिससे करोड़ों का धंधा करना है, ये जानना जरूरी है वो कितना होशियार है। ओ, हड्डी डाल। बाबा, ओ बाबा, ये मेरी तस्वीर, किसने इसके टुकड़े कर दिए? मैंने। तुमने? क्यों? इसकी जगह तुम्हारे टुकड़े ना हो जाए इसलिए। वो एक बहरूपिया था जिसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे घर और तुम्हारे दिल में जगह बनाई थी। अगर तुम उस दिन उसे पुलिस स्टेशन से लेकर यहां नहीं आती तो वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता। नहीं बाबा। हाँ, वो एक नीच, बदचलन और बहरूपिया था। बुला दे उसे। नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है बाबा, जरूर किसी ने उसे बहकाया होगा। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। रूपा मत जा, तू वो सब नहीं देख सकेगी, नहीं सह सकेगी। अच्छा बाबा, मैं उसे लेकर आती हूँ। रूपा। मैं बंजारन हूँ, देखने वाले की आंख हमारे लिए आईना होती है। तुम जंगी को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। बताओ कौन हो तुम? लौंडिया, जंगी ने तुझे मेरी सेवा के लिए भेजा है, अपनी अकल उसी में लगा तो बेहतर होगा। इतने नशे में और इतनी होश की बात? और तू बगैर नशे के बहक रही है। हे, ये देखो। आजा मेरी जान। चलो बाबा चलो, भगवान के लिए ऐसे चलो। बदमाश, क्या अधिकार था तुझे इस मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने का? क्या अधिकार था तुझे इससे झूठे वादे करने का? क्या अधिकार था तुझे इसे धोखा देने का? जवानी की खुराक जवानी है बड़े मियां, और ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ कौन नहीं खेलना चाहेगा? कमीने! तेरी ये मजाक! खबरदार, जो मेरे बाबा को हाथ भी लगाए तो, अब तो भगवान ही तुझे बचाएगा। हड्डी डाल, वो तो इसे जब समझेगा समझेगा, पहले मैं तो तुझे समझ लूं। जवानी की खुराक मैं भी तो चखूं। जंगे, बात बढ़ गई तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, फिर ये बिजनेस भी रह जाएगा और ये रंगीनियां भी, इसलिए जाने दे। से जाओ, छोड़ दिया तुम्हें मेहमान की खातिर। चलो बेटी, इस पाप की भट्टी से दूर।
क्या कर रहा है? उस थप्पड़ का जवाब देने। आज के बाद तेरे हाथ तो क्या, तेरी आंखें भी नहीं उठ सकेंगी। हरा कमीने, वहीं रुक जा। के साथ जबरदस्ती, तुम्हें मालूम है इसकी सजा क्या है जंगी? मैं तेरे काम में दखल नहीं देता बजरंग। बंदूक हाथ में हो तो हर गीदड़ शेर बन जाता है बजरंग। मर्द का बच्चा है तो हाथों का जोर आजमा ले। बजरंग? हाँ, मैं बजरंग हूँ, बजरंग डाकू। नहीं नहीं, तुम तो महात्मा हो, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है भैया। तुमने मुझे भाई कहा? आज के बाद का अगर तेरी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखे ना, तो मैं उसकी आंख निकाल दूंगा। सलाम सर। सलाम तोताराम। खोताराम सर। हाँ तोताराम। सर, मैंने जिसके लिए आपसे बात की थी ना, यही है वो आदमी। क्या है तुम्हारा नाम? आई कमाल सिंह सर। सर, आपने कहा था ना गवर्नमेंट को मेरे ऊपर शक हो गया है,
एक भरोसे का आदमी चाहिए तो मैं इसको साथ में लेके आया हूँ। सीक्रेट पेपर भी इसके पास है, बहुत ही काम का आदमी है सर। कहाँ है सीक्रेट? सीक्रेट हियर सर, हियर हियर इन माय लंगोटी सर। ये क्या करता है? यू सी सर, इन लंगोटी सीक्रेट से वेरी से चिट्ठी साहब जी, इसके अंदर जो है ना उसे देखकर आप लाल, यहाँ पढ़िए, लाल नीले पीले काले पकौड़े जैसे हो जाएंगे हाजी। तो तराम सर, गवर्नमेंट ने तुम्हारे पीछे कोई जासूस लगाया है? यस सर। होशियार जासूस? हाँ जी। वो जासूस यही आदमी तो नहीं है? नो 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 जासूस सर, आई नो जासूस, आई प्रॉमिस सर, आई राम गऊ सर। आपके पास लाने से पहले मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, एकदम बुद्धू है सर। सर आई एम बुद्धू, नो बॉडी डाउट, नो डाउट, आई एवरी सीक्रेट टू यू सर, आई प्रॉमिस। बट मेरी कुछ शर्तें हैं सर, विदाउट शर्त नो वर्क। वन इज कलर टीवी करेक्ट, अदर इज वन फ्रेशर करेक्ट, एंड अदर इज वन वेस्पा मोटरसाइकिल सर। यस, प्रॉमिस किया सर, करना ही पड़ेगा। मगर एक बात याद रखना कमाल सिंह, हम गद्दारी करने वाले को जिंदा दफन कर देता है। आई नो सर, आई नेवर डू एनी रॉन्ग थिंग विद यू सर, आई एम ऑलरेडी वेरी मच स्केयर्ड सर, प्लीज बिलीव मी सर, ऑन गॉड, आई मैं कसम खाता हूं जनाब। बोलो ना। ठीक है और जनाब, okay, सब हो जाएगा सर। वो जनाब वो थोड़ी विस्की खांसी है जनाब। ना शराबी नौकरी में नहीं चलेगा। नो 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 शराब, नो दारू, नो नो। ओके, एक पैक उसको दो। थैंक यू सर, सर वेरी गुड जनाब। व्हाट, इधर कर, मेनू देखेगा तू है मैं। एक पैक। तुमने जो काम किया विजय वो काबिले तारीफ ही नहीं बल्कि शाबाशी का हकदार भी है। जो चाहो करो विजय, अपनी इज्जत, डिपार्टमेंट की लाज मैं तुम्हारे मजबूत हाथों में सौंपता हूं। मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े बेटे। नेवर सर। गुड लक। थैंक यू सर। विजय तुम कहीं जा रहे हो बेटे? हाँ मां। कहाँ? मुझे अफसोस है मां, मैं नहीं बता सकता। कब तक अपने आप को जोखिम में डालते रहोगे? अरे मां, हर आदमी का एक कर्तव्य होता है जो उसे पूरा करना पड़ता है, और शायद यही मेरा कर्म है। एक दिन तुम मुसीबत में फंस जाओगे, क्या जरूरत है अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की? क्या नहीं है तुम्हारे पास, किस चीज की कमी है तुम्हें? कमी? एक बाप की, जिसके लाड और प्यार से मैं आज तक वंचित रहा। मां, इन खाकों की तरफ देखी जिन्हें मैं चेहरा नहीं दे सका क्योंकि मैंने अपने पिता की शक्ल नहीं देखी। इसके लिए तुम भी मुझे दोषी ठहरा रहे हो? दोषी वो थे या तुम, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मुझसे मेरा बचपन छीन गया है मां। तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है विजय। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी बेटे। नहीं मां, तू फिक्र मत कर। अरे जब तक तेरा आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा मां, अब मैं चलता हूं।
माल आ गया। पैसे लाए? पहले माल तो देख लूं। हम पर एतबार नहीं है दोस्त। दोस्त संभल कर दोस्ती का हाथ बढ़ाओ जंगी, सांप रहते हैं आस्तीनों में। मतलब? मतलब धंधे से है, पहले माल दिखाओ। शौक से देख लो। ये सारे हथियार कहां से लाते हो जंगी? ये ट्रेड सीक्रेट है दोस्त। अगर और माल की जरूरत पड़ी तो? जितना माल चाहिए जहां चाहिए मिल जाएगा। माल उतारो। नीचे उतार। क्यों जंगी, हड्डी निकली या गले में हाथ डाल के निकाल दूं? मुझसे भूल हो गई सरकार, मुझसे गलती हो गई। मैं डाकू बजरंग को पकड़वा दूंगा, सारे तस्करों को गिरफ्तार करा दूंगा। मुझे सरकारी गवाह बना लो माई बाप, मेरा लिहाज करो। तुमने अल्लाह की कसम है, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। जिस स्कूल में तू पढ़ता था उस स्कूल का मैं हेडमास्टर रह चुका हूं। हाथ खड़े। चलाट। ये नया सॉन्ग अब किसे धोखा देने के लिए रचा है? इंस्पेक्टर राम सिंह। यस सर। बता दो मैं कौन हूं। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैं आपको डाकू बजरंग के मददगार होने के आरोप में गिरफ्तार करता हूं। चलो। अगर ये आरोप है तो मुझे एक मुलजिम की तरह ले चलो। इंस्पेक्टर राम सिंह लगाओ हाथ कड़ी। के बास, तूने ये सारे नाटक इस पवित्र आत्मा को गिरफ्तार करने के लिए किए थे? मैं अपने बाबा की गिरफ्तारी के लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तूने इंसान को नहीं भगवान को हथकड़ी लगाई है और वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अपने बाबा को नहीं ले जाने दूंगी। बेटी, हथकड़ी पहनने से आदमी अपराधी नहीं बन जाता। और रहा सवाल जाने का, कोई किसी को कहीं नहीं ले जा सकता। हर इंसान सिर्फ वहीं जाता है
जहां उसका भाग्य उसे ले जाता है। बाबा अब साहब एक आइडिया है। बोलो। क्यों ना जंगी वाला धंधा हम भी शुरू कर दे। क्या मतलब? मतलब ये कि आतंकवादियों को भरपूर हथियार बेचे, हमें मुल्क से क्या मतलब बर्बाद होता हो जाए, हम तो आबाद हो जाएंगे। अरे वाह, वर्दी में रहकर हम ये काम करेंगे तो कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। बिल्कुल, यही तो दूर की कौड़ी लेके आया हूं साहब। एएसपी देशद्रोही गद्दार, अगर कानून इजाजत देता तो मैं इसी वक्त तुम दोनों को गोली से उड़ा देता। हथकड़े जी साहब, पहनो इसे। अभी पहना तो ये है, इसी काबिल, कितनी बरकत है, उल्टा धंधा मत करो। दूसरी हथकड़ी जी साहब, ये तुम पहनो जी। याद है हवलदार, मैंने तुम्हें सावधान किया था कहीं ये हथकड़ी तुम्हें ना पहननी पड़े। राम सिंह। यस सर। आज से तुम यहाँ के इंचार्ज हो। यस सर। बंद कर दो इन दोनों को हवालात में। मरवा दिया ना, कितनी बार कहा था ऐसा धंधा मत करो, मुझ मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो पता चल जाएगा, चंगी बनने चला था। बस कर, बस कर। अरे मम्मी, आप यहाँ? विजय सर, मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। मगर क्यों सर? ये दिखाने के लिए कि तुम किस मिट्टी के बने हो। लेकिन सर, इन हालातों में इनका यहाँ रहना खतरनाक भी हो सकता है। इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने ली है और मुझे अपनी फोर्स पर पूरा भरोसा है। खैर, प्लान के मुताबिक सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। आइए उन गद्दारों की शक्लें मैं आपको दिखाऊं। हम अभी आते। तृप्ति, विजय हमारा बेटा है। हाँ। तुम अपनी मर्जी से इतनी दूर आई थी और अब जाना चाहती हो? क्यों आई थी, क्यों जाना चाहती हो? आखिर हुआ क्या है? बेटे, जो होने वाला है वो मुझसे नहीं देखा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। तुम एक सिपाही की माँ हो, डर तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमने अपने माथे पर कलंक लगा लिया है विजय, जिसे हथकड़ी पहनाई, जेल के सलाखों के पीछे बंद किया, वो मुजरिम नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो? आज तक जो चेहरा बनाने की तू कोशिश करता रहा, जिसे देखने के लिए तू तड़पता रहा, जन्म जले वही है ये, तेरा जन्मदाता, तेरा बदनसीब बाप। नहीं मां, नहीं। एक मुजरिम मेरा बाप नहीं हो सकता। जो भूल मैंने 25 साल पहले की थी, आज तू वो भूल फिर कर रहा है बेटे। नहीं। उनसे क्षमा मांग बेटे, उन्हें छोड़ दे। मां, मैं पिता के पैर छूकर माफी मांग सकता हूं, लेकिन मुजरिम को छोड़कर कानून से गद्दारी नहीं कर सकता। बाबा मुजरिम नहीं है। अगर बाबा गुनहगार है तो इस दुनिया में कोई भी बेगुनाह नहीं, तुम भी नहीं। विजय बेटे। मां, अगर वो मुजरिम नहीं है तो जो मैं कर रहा हूं उस पे उन्हें नाज होगा, शर्मिंदगी नहीं। हेलो टैगर। टैगर, हेलो। आई कमाल सिंह स्पीकिंग। बहुत गजब हो गया। जहां जिस आदमी ने जंगी से हथियार खरीदे थे, पुलिस से मिला हुआ है, उसने पुलिस को बतला दिया है और जंगी गिरफ्तार हो गया है।
टाइगर टाइगर, जंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सब क्या हो रहा है? ये गेट लॉस्ट यू ट्रेटर। ले जा से कुछ जी, वो कुत्ते पौंक रहे थे। और क्या हुआ जी? कि वो एक ऑर्डर है, अगर जंगी ने सारे सीक्रेट पुलिस को बता दिए तो आपकी तो फिर बस हूं हो जाएगी। हूं समझते हैं? आपका बना बनाया सारा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए फौरन आ जाओ और जंगी को छुड़ा लो वहां से। यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो? ओके देन कम फास्ट इन इंग्लिश। उसने जंगी को पकड़ लिया है, दरोगा हवलदार को बंद कर दिया है और डॉक्टर बाबू को गिरफ्तार कर दिया है। डॉक्टर बाबू किस आरोप में? उस पे तुम्हारे मददगार होने का आरोप है। भाग जा बजरंग, बेशुमार पुलिस यहाँ आ चुकी है। औरत, बजरंग आज तक किसी से नहीं भागा। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो ये आत्महत्या होगी और तुम्हारी मौत। अगर ये मौत है तो मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा। मौत पर पहले हमला मैं करूंगा। किसी का एहसान चुकाना है। तैयार। लो, किसी दिन तुम्हारे काम आएगा। मैं तुम्हारे पास ये लेने नहीं आई थी। चलो डॉक्टर। कहाँ? यहाँ कानून के अंधियार तुम्हें डॉक्टर से डाकू ना बना दे। नहीं बजरंग, मैं जहाँ आ गया हूँ अब वही मेरी मंजिल है। डॉक्टर साहब, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। चलो यहाँ से। नहीं बजरंग, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बजरंग की बात मान ले डॉक्टर, हड्डी डाल और भाग ले यहाँ से। अगर पुलिस आ गई तो हम सबका राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं बजरंग, तुम्हारा एहसान चुकाए बिना दुनिया से नहीं जा सकता। डॉक्टर, तुम मेरी वजह से हवालत में बंद हो और मैं तुम्हें यहां से ले जाकर रहूंगा। 25 साल पहले मेरी एक भूल के कारण एक जिंदगी चली गई थी। आज अगर मैंने वही भूल की तो एक और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी? हाँ, विजय ने मुझे हथकड़ी पहनाकर कर्तव्य का सर ऊंचा किया है और मैं उस सर को नीचा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं चलोगे डॉक्टर, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ। शायद तुम इसी की जबान समझते हो। बजरंग, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। जंगी, हड्डी डाल बजरंग, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था। अभी ना नहीं कर सकता। Thank you.
बजरंग, ये आखिरी चेतावनी है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रुपये, सोच समझ कर आगे बढ़, ये आखिरी मुकाबला है। सर, तुम इन लोग को यही उलझा रखो, मैं पीछे से। ओके सर। बी केयरफुल बॉयज, टेक योर पोजीशंस, चलो। सिंह तुम? नो, कमाल सिंह जंगल पानी गया है। आईपीएस शेर सिंह आया है। आईपीएस शेर सिंह? बजरंग सिंह, जो घेर लो जल्दी से, और इस चिट्टी चमड़ी को मैं देखता हूं। सा कम आउट यू बास्टर्ड, तुम हमको धोखा से इंजे के अंदर लाया। अभी तो सिर्फ अंदर लाया है, अब जब अंदर करूंगा ना तब मां बाप याद आएंगे। कम ऑन यू बास्टर्ड, हम दोबारा चिली चिकन बनाएगा। खदार, लेकर जा रहा हूं। नहीं बजरंग, तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उस एहसान को मैं कैसे। बजरंग, कब तक ये हवानियत का खेल खेलोगे और कितने सीने छल्ली करोगे?
गई उस सीने पर जिस पर सर रखने के लिए तू जिंदगी भर तड़पता रहा। नहीं बेटा नहीं, तेरा नाम विजय है, अपने नाम की लाज रख, अपने कर्तव्य का पालन कर, नहीं तो तेरे जीवन भर की साधना मिट्टी में मिल जाएगी। उठा हथियार। चुप कर बुढ़े। बाबा बाबा बाबा, जग गए। कमाल सिंह का कमाल तो तुमने देखा था जब हमने निक्कर से फाइल निकाली थी, अब शेर सिंह का पंजा देख गंजे। कमाल सिंह ने तुम्हें इंग्लिश में बुला तो लिया इधर, अब शेर सिंह तुझे पंजाबी सिखाएगा गोडों में लेकर। तुमने एक फर्ज तो पूरा कर दिया, अब दूसरा फर्ज भी पूरा कर दो। पहनाओ हथकड़ी और गिरफ्तार कर लो मुझे, मैं भी तुम्हारा मुजरिम हूं। नहीं बाबा नहीं, कल जब मां ने कहा, रूपा ने कहा कि आप बेगुनाह हैं, तो मैंने उनकी नहीं मानी, लेकिन आज आज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। बाबा अगर आप गुनहगार हैं तो इस दुनिया में कोई भी बेगुनाह नहीं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। बेटे बाबा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे इन आंसू ने सब कुछ कह लिया। इन मोतियों से जीवन में जोती। रूपा जाने दो, ये अपने खोए हुए 25 साल पाने जा रहे हैं। इन मोतियों से जीवन में जोती, जिंदगी क्या